अच्छा बच्चों, अगला जो हमारा टूल है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, उसको हम बोस्टन मैट्रिक्स कहते हैं। बोस्टन मैट्रिक्स एक मार्केटिंग टूल है जो हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में हमारी प्रोडक्ट की सिचुएशन। और उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, मार्केटिंग टूल टू मैनेज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाई असेसिंग द मार्केट शेयर, हमारा कितना है किसी प्रोडक्ट का, एंड वी नो दैट वॉट इज मार्केट शेयर नाउ बिकॉज वी हैव स्टडीड द होल सिलेबस। और फिर ये कि हमारी मार्केट ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है, हम फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये बोस्टन मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें चार इसको पार्ट में डिवाइड किया मैंने। अगर आप देखें तो मैंने जो हमारा वाई एक्सेस है वहाँ पे मार्केट ग्रोथ को लिया है, और हमारा जो ये नीचे वाला एक्स एक्सेस है उसमें मैंने मार्केट शेयर को लिया है। हम प्रोडक्ट को चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारी एक प्रोडक्ट है जिसको हम स्टार बोलते हैं। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोशिश करते हैं कि स्टार कौन सी प्रोडक्ट होती है। नाम है मुख्तलिफ जो हमने प्रोडक्ट्स को दे रखे हैं। स्टार एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर भी हाई है, और जिसकी जो मार्केट ग्रोथ है वो भी हाई है। यानी इसको यूं कह लें सिंपली कि अभी भी बहुत बिक रही है और फ्यूचर में इसके बिकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हाई मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ इसकी है, और जनरली लेवल ऑफ कंपटीशन भी इसका हाई होगा, और इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी हम ज़्यादा ही ऑब्टेन कर रहे होंगे। जो दूसरी हमारी प्रोडक्ट है, दूसरी जो स्टेज है, वो कैश काउ कहलाती है। यहाँ पे इस हिस्से में ड्रॉ करेंगे। कैश काउ एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारा जो मार्केट शेयर है वो तो बहुत हाई है, तो उसको यूँ समझें कि अभी बहुत ज़्यादा बिक रही है वो, लेकिन उसके फ्यूचर में बिकने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। उसके ग्रोथ पोटेंशियल हमें नज़र नहीं आ रहे, यानी ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा सेल नहीं होगी, तो इसको हम कैश काउ कहते हैं। कैश काउ हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है, बहुत ज़्यादा पैसे हमें ला के दे रही होती है। और अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में याद हो, जो हमने वन में पढ़ा था, तो जो मेच्योरिटी की स्टेज पे हमारी प्रोडक्ट होती हैं वो कैश काउ कहलाती है। और यूजली हम इनके लिए एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं ताकि जितना ये कैश जनरेट कर रही हैं, कैश काउ इन्हें इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैश जनरेट कर रही हैं, तो जितना ये कैश जनरेट कर रही हैं वो और टाइम के लिए हमारे पास करती रहें। तीसरी जो प्रॉब्लम प्रोडक्ट है उसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क भी इसका नाम है। प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं या क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो घर में भी प्रॉब्लम चाइल्ड जिस तरह होता है ना, उस तरह के, कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लगता है कि फ्यूचर में बहुत बिकेगी, लेकिन अभी नहीं बिक रही, अभी इसका मार्केट शेयर बहुत ही कम है। तो इसके बारे में फिर हम सोचते हैं कि हम इसके ऊपर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे तो ये ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी। और हम उसकी वजह ये हो सकती है कि अभी हमने उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केटिंग नहीं की, उसको बहुत एक्सपोजर नहीं दिया, और पॉसिबली ये नई प्रोडक्ट होती है, यानी अभी ये अभी मार्केट में। मिसाल के तौर पे हम iPhone 14 के बारे में ये कह सकते हैं कि वो अभी उसका ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अभी 13 ही ज़्यादा बिक रहा होगा, तो उसको हम कैश काउ कह देंगे मिसाल के तौर पर। अच्छा, और फिर हमारे पास डॉग है आखिरी प्रोडक्ट। डॉग ऐसी प्रोडक्ट जिससे दोनों चीज़ें कम हो चुकी हैं, उसका मार्केट शेयर भी रिड्यूस हो चुका है, अभी भी नहीं बिक रही, और फ्यूचर में भी उसके बिकने के चांसेस बहुत ही कम है। अभी भी नहीं बिक रही और फ्यूचर में बिकने के भी चांसेस उसके बहुत ही कम है, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं, डॉग बोल देते हैं। और डॉग के साथ ये होता है कि वो डिक्लाइनिंग स्टेज जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है ना, वो होती है, और इसमें कम बहुत बहुत ही कम रेवेन्यू हम अर्न कर रहे होते हैं। अब ये जो चारों हमारी स्टेजेस हैं प्रोडक्ट की, इसमें हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो सबसे पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजी बच्चों हम यूज़ करते हैं वो हमारे जो स्टार प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हम बोलते हैं होल्डिंग। देखो बच्चों, अगर वो प्रोडक्ट अभी भी बिक रही है और फ्यूचर में भी बिकने के बहुत चांसेस हैं, तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम उसके साथ लेके चल रहे हैं दैट इज़ गुड वन, फिर हमें उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो हम कहते हैं होल्ड दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि वो बहुत ही आइडियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और उस आइडियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा बिक रही है, बहुत ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो इसको हम होल्ड कहते हैं। जब हम जो हमारी दूसरी स्टेज है कैश काउ, उसकी सतह पे हम जो स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हैं उसको हम मिल्किंग कहते हैं। उसमें से कैश निकाल के हम किसी और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। किस में करेंगे? मोस्ट प्रॉबली प्रॉब्लम चाइल्ड में करेंगे, क्योंकि उसके जो आइंदा बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो व्हाट वी डू, टेकिंग द पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट एंड इन्वेस्ट इन टू द अदर प्रोडक्ट इन द पोर्टफोलियो। फिर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम चाइल्ड है, उसके लिए हम डाइवेस्टिंग करते हैं, सॉरी प्रॉब्लम चाइल्ड के लिए हम डेवलपिंग करते हैं प्रोडक्ट को,
जो कैश काउ से पैसे निकाले हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा हैं। डेवलपिंग या बिल्डिंग भी कह सकते हैं इसको, उसको डेवलप करने की, बिल्ड करने की, ग्रो करने की हम कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम चाइल्ड को सपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर मार्केटिंग एक्सपेंसेस लगाएंगे, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स उसके खोलेंगे, उसको फाइनेंस करेंगे, और फाइनेंस करने के लिए कैश का वाला जो मटेरियल है, जो वहाँ से पैसे लाए हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो फोर्थ हमारी स्ट्रेटजी है वो डाइवेस्टिंग कहलाती है। तो डाइवेस्टिंग किसके लिए होती है? डॉग के लिए होती है। जब प्रोडक्ट बिकने रही है और फ्यूचर में अभी बिकने के चांसेस नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। वर्स्ट परफॉर्मिंग जो हमारी प्रोडक्ट है उसको बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्हाट वी डू, वी कैन एलिमिनेट दैट प्रोडक्ट आउट ऑफ अवर आउट ऑफ अवर पोर्टफोलियो, और हम कहते हैं कि इसको हमें बनाने की ज़रूरत अब नहीं है। अगर हम बात करें हमारा जो ये जो बोस्टन मैट्रिक्स है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो हम कहेंगे इसका एडवांटेज ये है कि ये करंट पोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता देता है, और हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप कर सकें। तो इसलिए हम कहते हैं जो सेकेंड एडवांटेज है कि वी कैन प्लान आर एक्शंस अकॉर्डिंगली। अभी हमने पढ़ा बी डेवलपिंग, बिल्डिंग, मिल्किंग, तो वी कैन प्लान आर एक्शंस अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, इसी तरह हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि कब कोई प्रोडक्ट डाइवेस्ट करनी है, और प्लानिंग ऑफ दी न्यू प्रोडक्ट्स कब हो सकती। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट टेल मैनेजर दैट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट विद एनी प्रोडक्ट। अभी ये है, क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी यही रहेगा, ये तो एक गैस वर्क है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गैस वर्क कैन ऑलवेज गो रॉन्ग। तो ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट टेल मैनेजर्स दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, इट्स जस्ट अ प्लानिंग टूल। ये इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं प्रोडक्ट की ग्रोथ और डिक्लाइन में, तो एक प्लानिंग टूल है दैट ओवर सिंप्लीफाइज द थिंग्स। मेनी फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो पेस्ट में हम पढ़ के भी आए, उन सब पे हमारी प्रोडक्ट का होना ना होना डिपेंडेंट होता है। और फिर इट्स नॉट नेसेसरी दैट हाई मार्केट शेयर विल ऑलवेज ब्रिंग हाई प्रॉफिट्स। ये दोनों कोई ऐसी ज़रूरी तौर पे पॉजिटिवली लिंक्ड चीज़ें नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट हाई मार्केट शेयर विल ब्रिंग हाई प्रॉफिट्स टू। तो वो हो सकता है कि मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हो, और इस वजह से ज़्यादा हो कि आपने उसके लिए बहुत सस्ती प्राइस कर रखी हो, तो अगर आप ऐसे सस्ती प्राइस करके बेच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये था बोस्टन मैट्रिक्स, इसका इंट्रोडक्शन और उसकी डिटेल्स।